दास पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, विशेष करके जो गंभीर मामले में संलिप्त अपराधकर्मी हैं या उसमें फरार अपराधकर्मी हैं उनको उनके विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, खास करके मर्डर, लूट, डकैती इत्यादि के कांडों में जो अपराधकर्मी शामिल है। इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि डेहरी नगर थाना कांड संख्या 312/12 जो कि जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम लल्लू सिंह था उसकी हत्या कर दी गई थी, और उस मामले में एक व्यक्ति, एक अभियुक्त जो कि वर्षों से 10 वर्ष से फरार चल रहा है और कुर्की उसका हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी उसके द्वारा अभी तक माननीय न्यायालय में भी आत्मसमर्पण नहीं किया गया था। इस मामले में जो उक्त अपराधकर्मी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम को लगाया गया और इस संबंध में आसूचना संकलित करना प्रारंभ किया गया। आसूचना जब संकलन करना प्रारंभ किया गया तो पाया गया कि उक्त व्यक्ति नई दिल्ली में रह रहा है और वहाँ पर नई दिल्ली और NCR रीजन में रह रहा है और वहाँ पर रियल इस्टेट के वो कारोबार में जुड़ा हुआ है तथा राजनीतिक रूप से भी काफ़ी उसकी गतिविधियाँ वहाँ पे पाया गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ से एक विशेष टीम को भेजा गया जिसके द्वारा वहाँ पर कई दिनों तक रुकते हुए उसके कई ठिकानों का रेकी किया गया और दिल्ली और साथ में फरीदाबाद में भी उसका उसके जो ठिकाने थे उसका रेकी किया गया और उसके उपरांत जो सत्यापन के बाद इसको जो अपराधकर्मी है जिसका नाम है कक्कू खान उर्फ जाहिद परवेज जो कि पेशर मोहम्मद SM हकीम साकिब ये रहने वाला है सुभाष नगर थाना डेहरी नगर का, इसको हरियाणा स्थित सूरजकुंड से गिरफ्तार किया गया है जहाँ पे इसका एक बड़ा सा फार्म हाउस है वहाँ से इसको उसकी गिरफ्तारी की गई है। उक्त अपराधकर्मी के द्वारा यह बताया गया है कि यह वर्ष 2010 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के टिकट से इसके द्वारा लड़ा गया था परंतु उसमें वो हार गया था और इसके द्वारा बताया गया है कि पूर्व में यह NTPC का जो नबीनगर में NTPC बन रहा था उसका उसमें ये ठेकेदारी का कार्य करता था और साथ ही साथ बालू घाट या बालू खनन से संबंधित भी कार्य इसके द्वारा किया जाता रहा था। इसके द्वारा बताया गया है कि घटना के बाद से ये दिल्ली चला गया था और वहाँ पे रियल इस्टेट सेक्टर से में कार्य करते हुए वो काफ़ी उसके द्वारा संपत्ति अर्जित की गई थी और राजनीतिक गतिविधि इस बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला है। उसमें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि NTPC के ठेकेदारी को लेकर के बरामदगी भी हुई उसका मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया तो कुछ अवैध संपत्ति जो है वो जिसके पास गिरफ्तारी हुई उसकी जाँच हुई है। अभी हम लोगों के द्वारा जो पूर्व में जो जानकारी प्राप्त है कि पूर्व से ही इसका जो बैंक अकाउंट वगैरह है उसको फ्रीज कर दिया गया था जिसमें काफ़ी मतलब काफ़ी उसमें जो उसका रुपया था वो अभी फ्रीज है लेकिन अभी हम लोग इसके जो संपत्ति है इसकी जांच करा करके और PML के तहत प्रस्ताव भी भेजेंगे।